किसी भी डिसेबल कार्ड को किस तरीके से डाउनलोड किया जा सकता है, किसी भी विकलांग का कार्ड किस तरीके से डाउनलोड किया जा सकता है, इसका एक सिंपल प्रोसेस है, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसे डाउनलोड करना है, इसे प्रिंट करना है, किस तरीके से लेमिनेशन करा के आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, जिससे कि कहीं भी जरूरत पड़े तो अपना कार्ड दिखा के आप उस चीज का रिजर्वेशन ले सकते हैं। आप हर जगह अपना एक पर्चा लेके नहीं घूम सकते क्योंकि उसे कैरी करना आसान नहीं होता, लेकिन वहीं आप विकलांग कार्ड को कैरी कर सकते हैं, जितनी मर्जी बार डाउनलोड करके उसे यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में ये जानेंगे किस तरीके से एक विकलांग कार्ड को आधार कार्ड की तरह डाउनलोड करके अपने पर्स में रखा जा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपका भी डिसेबल सर्टिफिकेट अप्रूव हो चुका है और आपके पास मैचेज आ चुका है तो आपको सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि डिसेबल सर्टिफिकेट जल्दी से अप्रूव नहीं हो पाते हैं कई लोगों के। इसके अलावा डिसेबल सर्टिफिकेट के बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। इसी तरीके से एक डिसेबल सर्टिफिकेट किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, किस तरीके से पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है, उसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है जिसपे काफी अच्छा रिस्पांस आप लोगों का देखने को मिला है। उसी वीडियो को देखते हुए मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से एक डिसेबल सर्टिफिकेट का कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को आपको किसी ब्राउजर पे आ जाना, टाइप करना है UDID। इस पे क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट गूगल पे आ जाएंगे, तो गूगल पे सबसे पहले आपको वेबसाइट दिखेगी UDDI की, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा और वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपके पास एक मैसेज आएगा, आपको हॉस्पिटल की तरफ से जब आपने वेरिफिकेशन कराई थी तो उस समय आपके पास एक पर्ची थी, जो कि मैंने आपको बताया था कि विकलांग प्रमाण पत्र के लिए कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से उसे वेरीफाई करवाना है और किस तरीके से ये पास होता है। तो उसके बाद दोस्तों, जैसे ही आप वेरीफाई करवा लेंगे तो आपके पास एक UDID की तरफ से एक मैसेज आएगा। मैसेज जो भी आपके पास आएगा ना, वो दोस्त कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसके अंदर आपको एक UDID नंबर दे रखा है जो आपको यहाँ पर फिल करना है। किस तरीके से फिल होता है, किस तरीके से कार्ड डाउनलोड होता है, उसकी प्रक्रिया मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ। और अभी तक आपने डिसेबल सर्टिफिकेट अप्लाई किस तरीके से किया जाता है वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे मैंने लिंक दे दिया है, साथ ही वीडियो के एंड में भी वो वीडियो मैं आपको दे दूंगा ताकि आप डिसेबल सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकें किसी का भी, ठीक है। तो उसके बाद सबसे पहले दोस्तों आपको आ जाना है यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे। लॉगिन का ऑप्शन यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको कोई एनरोलमेंट नंबर या UDDI नंबर, दो नंबर होते हैं। एनरोलमेंट नंबर आपको उस स्लिप में मिलेगा जो स्लिप लास्ट में दी गई थी जब आपने डिसेबल सर्टिफिकेट अप्लाई किया था, और UDDI नंबर आपको मैंने दिखाया अभी मैसेज में वहाँ पर शो होगा। तो दोनों में से कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड टाइप करके इसे लॉगिन कर लेना है। किस तरीके से होता है मैं एक बार दिखा देता हूँ। और लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। इंटरफेस देखने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यह इंटरफेस थोड़ा सा ब्लर मैंने इसलिए कर रखा है कि मैं किसी की आपको आइडेंटिटी या आपको कोई भी डिटेल्स शो नहीं करा सकता, क्योंकि ये यूट्यूब गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। अगर मैं किसी की भी आइडेंटिटी शो कराता हूँ या उसकी डिटेल शो कराता हूँ तो ऐसे में क्या होगा कि मेरे चैनल पर स्ट्राइक आ जाएगी और जो वीडियो मैं आपको समझा रहा हूँ ये भी आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैंने इस चीज़ को ब्लर कर रखा है आपको समझाने के लिए। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ। तो इसके अंदर यहाँ पे लिखा आ रहा है डाउनलोड योर UDDI कार्ड, यहाँ पे ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, साथ ही मैं इसे मार्क भी कर देता हूँ। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप चेक कर पाएंगे कि आपका UDDI कार्ड डाउनलोड हो चुका है। अब ये UDDI कार्ड आप किसी भी दुकान पर जाके अपना प्रिंट करवा सकते हैं। इसी प्रिंट करवाने से ये फायदा है कि ये आपका आधार कार्ड की तरह एक लेमिनेशन हार्ड कॉपी में आपको मिल जाता है, जिससे आपको हर जगह अपना जो डिसेबल सर्टिफिकेट है वो कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो बड़ा भी होता है और ये छोटे साइज में है तो इसे आप इजीली अपने पर्स में अपने बटुए में रख सकते हैं और इसे आप हर जगह अपना कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फायदा इसका आपको देखने को मिलता है। साथ ही इसका सर्टिफिकेट किस तरीके से डाउनलोड होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब फिर से माई अकाउंट पे जाएंगे, माई अकाउंट पे जाने के बाद आपको डाउनलोड योर ई डिसेबल सर्टिफिकेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे इस पर आप क्लिक कर सकते हैं।
अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से उसका डिसेबल सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाता है, जो कि आपकी बहुत हेल्प करता है कहीं भी किसी भी टाइप का रिजर्वेशन लेने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं आपके लिए ऐसी ही ढेर सारी इन्फॉर्मेंट वीडियो बनाता रहूँगा, जिससे मुझे भी खुशी मिलेगी और आपको भी जानकारी फ्री में प्रोवाइड होती रहेगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके बहुत काम आई होगी। अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए हो मुझसे तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मुझसे डायरेक्ट चैट करने के लिए मेरा ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मात्र 150 रुपये की फीस देके आप कोई भी मुझसे वर्बली चैट कर सकते हैं किसी भी टाइप के क्वेश्चन को लेकर, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उससे रिलेटेड या उसके आसपास कोई भी आपका कोई क्वारी है या कोई भी चीज़ अटक रही है तो वहाँ आप मुझसे डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। रूम बन जाएगा, एक रूम में आपको चैट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक भी करो, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी जानकारी के, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।